तो अभी हम प्लीज बोलेंगे, विक्की प्लीज आ जाओ प्लीज। दिखाई थी कसम जानी भाई नहीं, कुछ आप दो पंखियां गाई है मैंने सुना आजकल आप गा रहे हो, थोड़ा उनको गाते हुए बताओ कि स्पॉइलर्स मत दो। देखिए अपने शहर में वापस आया हूँ मैं दिल्ली में, ऑफकोर्स ये हमारे दिल्ली वाले सर, ये हम सब बहुत अच्छे लोग होते हैं दिल्ली वाले, हमको एक बार जो बात बोल दी जाती है ना हम कभी जाके बाहर नहीं बताते है ना, ये हमारी सर आदत है, हमारे डीएनए में है ये। तो आपने इतने प्यार से बोल दिया है ऑलरेडी कि प्लीज सबको बोलना कि स्पॉइलर्स ना भेजें, एक दूसरे को ना बताएं, तो वो हम करेंगे सर, बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं हम सब, राइट है ना, अच्छे ना दिल्ली वाले, कोई बोल नहीं रहा, आप लोग बोलिए तो सही एक बार। अभी आप बुलाइए। सो हमारे दो बहुत अहम किरदार जिनके बिना स्त्री पूरी नहीं होगी, बिट्टू एंड जना प्लीज आइए स्टेज। अपार शक्ति कुमार अभिषेक बैनर्जी। ये लाइफ में किसी को दीदी नहीं बनाता। हाँ है दीदी तो है, अभी देखना आप लोग भेड़िया में भेड़िया इसका भाई था, स्त्री में इसकी दीदी है, बड़ी बड़ी फैमिली में सब चल रहा है। मेरी किस्मत खराब है, मेरे जिंदगी में तिलस्मी जो लोग हैं ना वो पता नहीं कहाँ से बार बार आ जाते हैं, पता नहीं। कह रही थी कि स्त्री मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है जो दिनेश विजन और अमर कौशिक ने मुझे दी है। सो फॉर मी इतनी स्पेशल फिल्म है, इतना सारा प्यार मिला है फिल्म को, अभी पार्ट टू आ गई है और जो एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं लोगों में वो बहुत ही हम्बलिंग है। एंड इट्स वेरी स्पेशल टू बी हियर इन दिल्ली, दिल्ली मेरा दूसरा घर है, बहुत वक्त बिताया यहाँ पे बचपन में। एंड जब मेरे बापू ने आशिकी देखी थी ना उन्होंने दिल्ली में देखी थी और उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की जो एनर्जी है पॉजिटिव वाइब्स है, और मेरे बापू ने फिल्म देखी तो वो पॉजिटिव एनर्जी आई फील कि दैट फ्राइडे ऑल्सो चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। सो एक बहुत ही सिमिलर फीलिंग महसूस हो रहा है, स्त्री भी वैसी ही फिल्म है, मेरे लिए बहुत दिल के करीब है। एंड जस्ट एज डीनू सेड कि इट्स गॉट सो मच लव that we really really hope that everyone gets entertained, everyone goes to the theaters and watches it with their families and their friends and just has a great time. This is my film that I am very very proud of, so it's a very good feeling. How sweet, thank you so much Radha. And now of course over to you Rajkumar, welcome back home, and welcome back home with 3-2 as well. We are more than excited to see you back on screen. Whenever you are up there, you leave us awestruck with your talent, and now you're back again. How do you feel about it? I feel absolutely thrilled. I feel even more thrilled because today the whole gang is here. Stri is these people, and Pankaj ji, of course. It's so much fun to be a part of this film. It's such a special film for all of us. Stri ne hamesha hame sirf diya hai. I think हम सबके करियर में एक बहुत लंबी जंप दी थी स्त्री वन ने, और आई थिंक स्त्री टू जो है दोबारा एक बहुत लंबी जंप हमको देने वाली है, और ये सब पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ योर लव। स्त्री इज नॉट आर फिल्म, स्त्री इज योर फिल्म, ये आपकी फिल्म है, आपने इसको इतना प्यार दिया, आपने इसको इतना बड़ा बनाया, एंड वी आर सो थ्रिल्ड कि वी आर बैक विद स्त्री टू, बिकॉज हमको बहुत मजा आया बनाने में, वी हैड अ ग्रेट टाइम ऑलवेज, व्हेनेवर वी ऑल आर टुगेदर वी हैड अ ग्रेट टाइम, वी हैव अ ग्रेट टाइम, और हमें पता है कि हमको जितना मजा आया उससे ज्यादा मजा आपको स्क्रीन पर आने वाला है। सो आज से प्रीव्यू शो स्टार्ट हो गए हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दे आर ओवरवेलमिंग, वी आर ऑन क्लाउड 9, वी आर ऑल ग्रेटफुल, देयर इज लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए आपकी अपनी ही फिल्म को
तो प्लीज जैसे हमने पहले भी कहा स्पॉइलर्स के लिए बोलिए सबको ना दें, जाकर फिल्म देखें, हैव अ ग्रेट टाइम एट मूवीज गाइस। आई वांट टू आस्क ए गुड एक्टर, यू नो ही हैज डन सो मेनी गुड परफॉर्मेंसेस, बट माय टैग गैंग सॉ द फिल्म एंड दे ऑल फील दैट हिज कॉमिक टाइमिंग इज इंपेकेबल, राइट? वी हैव सीन दैट, बट आई हैव टू टेल यू वन, लाइक इफ यू हैव फाइव रीजंस टू वॉच थ्री, वन विल बी Rajkumar Rao's performance. He takes you through a realm of emotions. He takes you through a journey. And I'm not just saying this, okay, I'm saying this because he's sitting here. I'm not sitting here, I'm sitting here. But he is, and I think I, you know, we saw him dance in Aine, and you know, people said, hey, what is this side of Raj? That, you know, it's the same side of Raj which had come 6 years ago. So we urge him to do more comedy, we urge him to do more films, like, and I actually believe it's a very tall ask, but it's his most wholesome performance among everything he's done. So all thank the best, Raj. I hope it does well for you. Yeah, I hope it does well for you. Baki ko chuhao to bol chukma. Thank you so much, guys. So by the way, from the movie, from the script, it seems that you guys, all of you, are a notorious bunch. And this one is specially for you, Amar, that you've been working with them and you worked on Stree 2 with them. I have a special question for you. Who amongst them is the most notorious one to work with? And Amar himself. Oh, himself. Amar himself. ये दोनों ए नाम के जो लड़के हैं ना, the naughtiest kid on the block. मैं तो शरीफ हूँ, तुझे पता ही है. सबसे ज़्यादा तो मुझे पता है कि मतलब सूट नहीं कर रही है, लाइन सूट नहीं कर रही है, डायलॉग सूट नहीं कर रहा है. सबसे ज्यादा शैतान मैं ही हूँ, बट मेरे अंदर जो शैतानी आई है सबके वजह से आई है, क्योंकि ये लोग मुझे आराम से बैठने नहीं देते हैं, ये इतना मजे करते हैं सबके सबके सब. तो मुझे देखता है, देखिए बात क्या है, श्रद्धा कपूर को देखने के लिए सिर्फ प्रेम भाव ही चाहिए और कोई भाव नहीं आ सकता. Sir, I completely agree with you. वैसे, in fact, हमारे, I think I as a girl would have that same bhav for you, Shraddha, because आप हो ही इतने खूबसूरत. We have also got a song for you, especially. If a girl is saying that to a girl, that means a lot. बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक लड़की ने एक और लड़की को ये बात बोली. Actually, एक स्त्री के लिए दूसरे स्त्री का प्यार ही सबसे बड़ा होता है. क्या बात? I know, right? I think that women empower women in the most powerful way. I agree with that. So yes, guys, congratulations once again. और हमारे बिट्टू जना से भी हम पूछना चाहेंगे, but we would also love to know from you what is the sort of excitement you are having, nervousness है, खुशी है, what are all those emotions? Here, I think first of all, एक बार गला खराब है लेकिन नियत बिल्कुल ठीक. I think without sounding too much, Stree 1 got a paradigm shift to the way we made films in our country. और अगर हम उसका सेकेंड पार्ट लेकर आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट्स बिगर, बेटर, फनियर, स्केरियर, सब एक साथ. आप नंबर्स आप सबके लिए सामने हैं देखने के लिए, एंड यू जस्ट स्पोक अबाउट यू नो द एडवांस बुकिंग, वो सब एक तरफ है, वो सब नंबर्स हैं और वो सब आई थिंक यू नो आप सबके लिए अवेलेबल है. वन थिंग विच यू माइट नॉट नो इज दैट व्हाट मेक्स फॉर मी विच मेक्स 3-2 वेरी वेरी स्पेशल इज दैट each and every person attached to this film came back after 5-6 years with a certain kind of growth, with a certain kind of love. Each and every person had an amazing journey in their individual careers, and lastly all those people were present there, sab wahi actors, wahi producer, wahi director, and to top it all, which really you know is the nail on the coffin for me, is ki ADs bhi same thing, you know, Vidhi, Vibhasha, everyone. This is an unprecedented situation. The second part banne ja raha hai aur crew bhi same hai. So I think this is something which makes our team very special. And touchwood, I think we are here for another round of touchwood. Big numbers, touchwood. क्योंकि मेरा ये था कि जो प्यार से हमने first बनाई थी, exactly वही energy, वही प्यार से मुझे second बनानी थी. और जितना आप लोग इंतजार कर रहे थे सेकेंड पार्ट का, उतना हम भी इंतजार कर रहे थे कि हम वापस सेट पे कब जाएं, हमारी टीम वापस सेट पे कब जाए, क्योंकि वो 30-35 दिन का एक्सपीरियंस था फर्स्ट पार्ट में, तो वही हमको वापस जीना था. और आप फिल्म देख के खुश होते हैं, हम लोग बनाते हुए बहुत खुश हुए इस फिल्म को. तो आपको सबसे ज्यादा तंग किसने, सबसे ज्यादा तंग? अगर आप मेरा नाम ले लोगे तो मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा. आज भी अभिषेक ही लेट आया था.
अरे सर सर अभिषेक के बाल मेरा हेयर स्टाइलिस्ट ये यूज कर रहे थे इसीलिए अभिषेक के जो हेयर है ना उसको थोड़ा टाइम लगता है वो इतने मतलब यूनिक है एक्चुअली अभिषेक की दो पिक्चर रिलीज हो रही है ना तो इसलिए उसको टू मच इन डिमांड अमर भाई ने पता नहीं मुझे क्यों ऐसा जना की तरह इमेजिन किया मुझे हमेशा से पिट्टू करना था लेकिन इन्होंने मुझे मतलब आई थिंक जना की तरह देखा और वो जब मैंने फिल्म की मुझे कुछ नहीं पता था कि फिल्म कितना कमाएगी ये वो मुझे इतना पता था कि राजकुमार राव एक बहुत खतरनाक एक्टर है जिसको मैं कई सालों से जानता हूँ FTI के टाइम से जानता हूँ जिसने मतलब अपने स्टूडेंट फिल्म के टाइम से मैंने उसकी एक्टिंग देखी हुई है और मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ इंडिया में मुझे नहीं लगता इस वक्त इससे बेटर कोई एक्टर है और तू बैठा है इसलिए बोल रहा हूँ मैंने कल रात को पीछे से ही बोला इसने क्या बोला था मैं सबकी तारीफ करूंगा मेरी भी करवाना इसने बोला था हम लोग सब लोग इसके चलो इसके बाद अभिषेक के बारे में तो हो ही रही है अभिषेक के बारे में कुछ नहीं बोला नेक्स्ट थ्री में होगी नहीं बोला सर एक सेकंड अरे अभिषेक तुम बोल रहे थे तुम खत्म करो कि वो स्टूडेंट टाइम से देख रहे थे मुझे भी कुछ ऐड करना है टू जो आप कह रहे हो कि हां नहीं उनका कैमरा नीचे गया बड़ा ही बड़ा ही पकड़े हो क्या है पकड़े हो क्या हो भाई पकड़े हो क्या हो भाई सरदार सरदार कुछ कह रहे हो भाई अरे हाय रोहित शर्मा अरे रोहित शर्मा भी आ रहा है मैं कुछ ऐड करना चाहती हूं जो अभिषेक कह रहे हैं ना कि राज इज अ ब्रिलियंट एक्टर आई कंप्लीटली एग्री मैं ज्यादा थिएटर्स में फिल्में नहीं देखती And the last film that I really wanted to go and see was Shrikant. And that was because of Raj and the way that he has performed. And one of the most special reasons, I think, again, I want to thank Dino and Amar for casting me in this film to make me a part of this gang is itne behtareen actors ke saath mujhe mauka mila hai to work with. And jab inko live dekhti hu na, there's too much to learn and to get that the second time around has been amazing so I just wanted to add that it's been ek chhota sa confession hogi ye baat chali rahi hai to chhota sa confession mein bhi karna chahta hu Christian madam made another you know film called Sangam Hamare Do when it came to be they're like yaar aise aise hai aur us time pe na main stage mein nahi tha ki mera second lead karne ka man kare then I got to know ki Raj is doing really for me not three not Hum Do Hamare Do any film later on in any point of my career Raj is always my hero and I think that's what the personal and professional ethics he has taught me mere ko aur kisi nahi se matlab tujhe second lead karna tha to third lead mein khush hai main fourth bhi karne ko taiyar hu matlab agar pehle teen baar Raj ke andar main chautha bhi karne ko taiyar hu aur actually kaun sa actor hai jo back to back consistently perform karta hai as a versatile actor so I don't think wow thank you so much main itna gad gad ho gaya bas ro dunga abhi thank you so much abhi aap retire yaar abhi ye sab log mujhse bahut paise mangenge bhai basically hum ye bol rahe hain lifetime achievement le le abhi to national award ka season hai bhai abhi to lifetime dilaya oh god acha